कैसे एशियन पेंट्स पिछले 7 सालों से हर साल अपने रेवेन्यू को 20% तक ग्रो कर रहा है, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, आई एम शिवन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एशियन पेंट्स की पूरी केस स्टडी जानेंगे कि उसने अपनी मार्केटिंग में 4 P's यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस का किस तरह से यूज किया है, किसने उसे इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं एशियन पेंट्स कंपनी के बारे में। तो एशियन पेंट जो कंपनी है वो इंडिया की एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 19 देशों में फैली हुई है। एशियन पेंट्स को 4 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। पहला चंपकलाल चौकसी, दूसरा चमेलाल चौकसी, तीसरे सूर्यकांत दानी और चौथे थे अरविंद वकील। क्योंकि अंग्रेजों ने जो है बाहर से पेंट इम्पोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, तो इन्होंने इंडिया को ये पेंट कैपिटल बनाने का मिशन लिया था। देखिए, अगर किसी भी कंपनी को मार्केट में बड़े लेवल पर अगर स्केल करना है तो उसको अपने 4 P's का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट पी फॉर प्रोडक्ट, सेकंड पी फॉर प्राइस, थर्ड पी फॉर प्रमोशन एंड फोर्थ पी फॉर प्लेस। अब जानते हैं एशियन पेंट ने जो है इन 4 P's का कैसे यूज किया था। तो अब सबसे पहले जानते हैं एशियन पेंट्स के फर्स्ट पी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका जो कोर प्रोडक्ट है वो है डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट। ये जो है वो पेंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसने अपने टारगेट ऑडियंस को बढ़ाने के लिए जो है अपने पेंट्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहले सेगमेंट में आता है एशियन पेंट रॉयल, जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है, और उसके बाद आता है एप्पो लाइट, ट्रैक्टर इमल्शन और ट्रैक्टर डिस्टेम्पर, जो इकोनॉमी सेगमेंट को टारगेट करता है। इसके अलावा एशियन पेंट जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, अंडर कोट्स, प्राइमर्स और पुट्टीज भी बेचता है, जो एशियन पेंट्स को जो कंप्लीट पेंटिंग सॉल्यूशन बनाता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि एशियन पेंट अपने फर्स्ट पी यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में बिल्कुल बेस्ट है। तो आप जानते हैं एशियन पेंट के दूसरे पी के बारे में, जो है प्राइस स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि एशियन पेंट की जो प्राइस स्ट्रेटेजी है उसके सेगमेंट के हिसाब से जो है वेरी करता है। जैसे मान लीजिए हमने रॉयल के हिसाब में देखा कि वो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करता है, तो उसकी वैल्यू भी हाई होती है, उसकी रेट भी हाई होती है। और यही जो एशियन पेंट्स अपने मीडियम और इकोनॉमिक कस्टमर के लिए भी अपना अलग प्रोडक्ट लेके आता है। इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देते हैं, जिससे भी प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करती है। और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो रॉ मटेरियल और कॉम्पिटिटर की रेट को देखते हुए भी ऊपर नीचे हो सकती है। हालांकि इसकी सक्सेस का जो मेन रीजन है वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाने वाले इंसेंटिव को बताया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एशियन पेंट्स की प्राइस स्ट्रेटेजी। तो इस हिसाब से जो एशियन पेंट अपने सेकेंड पी यानी कि प्राइस में भी बहुत बेस्ट है। तो आप जानते हैं एशियन पेंट्स के तीसरे पी के बारे में, जो है प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। बीते सालों में एशियन पेंट ने बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज की है जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा सक्सेस दी है। पर इनकी जो एक मेजर नोटेबल प्रमोशनल एक्टिविटी थी वो थी 1954 में आर के लक्ष्मण जी द्वारा बनाया गया एक कार्टून जिसका नाम था मास्कट गट्टू, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इनका जो मेन गोल ये होता है कि अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी के जरिए जो है लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाए। और इन्होंने अपने बहुत सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर भी रखे, जो एक टाइम पे अपने फेमस जो पब्लिक फिगर्स रह चुके हैं, जैसे कि अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, सोहा अली खान और अभी रिसेंट में जो है वो दीपिका पादुकोण। एशियन पेंट्स के जो मेजर प्रमोशनल एक्टिविटी है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाने वाले मेजर इंसेंटिव को हम बता सकते हैं, क्योंकि उसने जो इनकी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एशियन पेंट अपने तीसरे पी यानी कि प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में भी बेस्ट है। तो दोस्तों, आप जानते हैं एशियन पेंट्स के जो चौथे पी के बारे में, जो है उसकी प्लेस स्ट्रेटेजी। तो एशियन पेंट्स आज के टाइम पे पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस कर रहा है। इसका नेटवर्क दुनिया के 5 मेजर रीजन्स जैसे कैरिबियन रीजन, मिडल ईस्ट रीजन, साउथ पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन्स में फैला हुआ है। ये अपने R&D सेंटर्स यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पर भी अच्छा खासा खर्चा करता है। इसका जो मेजर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो इसका वेल एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एशियन पेंट्स रिटेल मार्केट में एंटर करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च करती है, जिसके बाद ये जो है नेशनल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस भी करने लगी थी। एशियन पेंट्स के पास इंडिया का सबसे डिफरेंट और जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। दोस्तों, एशियन पेंट्स की जो सेल्स टीम है, उसके जो सेल्स मैनेजर है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, वो उसके डेवलपमेंट और डिलीवरी से रिलेटेड चीजों को मैनेज करते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एशियन पेंट्स अपने 4P यानी कि प्लेस स्ट्रेटेजी में भी बेस्ट है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एशियन पेंट अपने 4P यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, चारों में जो अव्वल नंबर पर है, इसलिए वो इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। आज के टाइम में हम जानते हैं एशियन पेंट जो अपने अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सेगमेंटेशन और पोजिशनिंग की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक मेजर कंज्यूमर चंक यानी कि 39% मार्केट शेयर भी होल्ड करता है।
दोस्तों इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बहुत इफेक्टिव होती है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी जो ब्रांड इमेज है उसको वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री के रूप में मेंटेन करते हैं। सो ये थी एशियन पेंट के पीछे की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मेक ड्रीम्स सपने बनाते।